बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो AR नॉलेज चैनल से है और वीडियो का टाइटल है पेड़ों का नबी करीम से बात करना, जिसे आज की साइंस भी मान रही है। हदीस एंड साइंस। तो पेड़ों का नबी करीम से बात करना, जिसे आज की साइंस भी मांग रही है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मे बी अब देखो वाक्य क्या वाक्य है, कैसा है, अभी कुछ नहीं पता हमें। तो AR नॉलेज से है, आप चाहो तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हो, इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में बसने वाली तमाम मखलूकात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाज रखा है और तकरीबन तमाम मखलूकात को ही सुनने, बोलने और महसूस करने जैसी सलाहियतें अता की हैं, जिनके ज़रिए वो एक दूसरे से बात करते, सुनते, बोलते और अपना पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह बाकी तमाम जानदार सुनते और बोलते हैं, इसी तरह पौधे भी तो जानदार हैं, वो भी बाकी तमाम जानदारों की तरह भूख और प्यास महसूस करते हैं, बढ़ते और रंगारंग फल और फूल पैदा करते हैं, तो क्या बाकी तमाम जानदारों की तरह ये भी बोलने की सलाहियत रखते हैं? ये सब सवालात यकीनन हर इंसान के जहन में ज़रूर आते होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मकसद भी इन्हीं सवालात के जवाबात तक पहुंचना है। AR नॉलेज के दोस्तों, फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी की हालिया तहकीक के मुताबिक इंसानों की तरह दरख्त भी कहत साली के दौरान अपनी बका के लिए अल्ट्रासोनिक आवाज़ें निकालते हैं। ये आवाज़ें इंसानी समाज से 100 गुना तेज़ रफ्तार होती हैं, इसलिए इनको सुनना मुमकिन नहीं होता। तहकीक के दौरान एक मरते हुए दरख्त की लकड़ी का हाइड्रोजन से मुआयना किया गया, जिससे मालूम हुआ कि वो लकड़ी अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है। इस अमल के दौरान हवाई बुलबुलों जैसी आवाज़ें पैदा होती हैं और गायब हो जाती हैं। रिसर्चर ने इससे ये नतीजा निकाला कि ये पानी मांग रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक इस तरह दरख्त जेर ज़मीन मौजूद पानी अपनी जड़ों के ज़रिए हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो हवाई बुलबुलों के ज़रिए ज़मीन में मौजूद नमी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। मौजूद खवातीन हजरात, इससे पहले एक बरतानवी साइंटिस्ट ने भी ये दिलकश इंकशाफ किया था कि पौधे और दरख्त न सिर्फ आवाज़ सुनकर रद्द अमल जाहिर करते हैं, बल्कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ आवाज़ों के ज़रिए बात भी करते हैं। बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी में की गई तहकीक के मुताबिक दरख्तों के नीचे या पौधों के करीब आपको तेज़ हवा महसूस हो तो दरहकीकत वो एक दूसरे से मुसलसल बातचीत में मसरूफ होते हैं। साइंसदानों का ये पहला ठोस सबूत है कि पौधों और दरख्तों की अपनी ज़बान होती है। हयातियाती माहिर डेनियल रॉबर्ट का कहना है कि पौधे और दरख्त अपनी जड़ों के ज़रिए एक दूसरे से मुसलसल रबते में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंसदानों ने जिस बात का इंकशाफ आज जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किया है, इसके बारे में कायनात के सबसे सच्चे इंसान अल्लाह के आखिरी पैगम्बर नबी अक्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत को आगाह फरमा दिया था। यूँ तो इसके बारे में कई ज़ईफ़ अहादीस भी हैं, जिनको सही अहादीस और मौजूदा साइंसी तहकीक के बाद काबिले मुताला कहा जा सकता है। तहम में बुखारी शरीफ की एक सही अहादीस पेश करूंगा, ताकि आपको अपने मुसलमान होने पर जहां फ़ख्र हो, वहीं आप इस्लाम के बहैसियत दीन हक होने पर भी मुतमईन हो जाएं। दोस्तों, सही बुखारी की एक हदीस मुबारक के मुताबिक नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक सूखे तने से टेंक लगाकर खुतबा जुमा फरमाते थे। जब मिंबर बनाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुश्क तने को छोड़कर मिंबर पर खुतबा देना शुरू किया तो सुतून चीखकर इस ज़ोर से रोने लगा जैसे करीब है कि फट जाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से उतरकर उसको चिमटा लिया तो वो इस तरह सिसकियां लेने लगा जैसे बच्चा रोने से चुप होते वक्त सिसकियां भरता है, और फिर उसका रोना बंद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हमेशा बाज़ो नसीहत सुना करता था, अब जुदाई के सदमे को बर्दाश्त ना कर सका और रोने लगा। इब्ने माजा की एक हदीस के मुताबिक हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सुतून के रोने की आवाज़ तमाम अहले मस्जिद ने सुनी। इसका रोना सुनकर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ लाए और उस पर अपना दस्ते शफ़क़त फेरा तो वो पुरसुकून हो गया।
बाद साहब इकराम कहने लगे कि अगर हुजूर नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ ना लाते तो ये कयामत तक रोता रहता। दोस्तों ये वाकया अहादीस में इस कसरत से बयान किया गया है कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को बयान करते हुए रो रो कर कहा करते थे कि ऐ लोगों, खजूर की एक सूखी हुई लकड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौक मोहब्बत में रोती थी, तो तुम्हें तो इससे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में बेकरार रहना चाहिए। एक शायर क्या ही खूब लिखता है कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दबा उठाए क्यों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और मज़ीद वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना, रिश्तेदारों और गुरुद्वारा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं इतना वेट कर रहा था, ये ना अल्लाह हाफिज़ बगैर काफ़ी स्टाइल से बोलते हैं, मतलब इनके बोलने का तरीका, बट इन्होंने आज थोड़ा सा वैसे बोला, अदरवाइज़ ये अल्लाह हाफिज़। हाँ तो मैं वो वेट कर रहा था कि अल्लाह हाफिज़ वैसे बोले, अच्छा लगता है, काफ़ी सुकून मिलता है वाला। हाँ। छोटी छोटी चीज़ों और को स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन भी होती है ऐसे ही कि मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे हैं बढ़िया था, अच्छा है, बढ़िया भाई का मेहनत कर रहा है। तो प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी मुश्किल होता है ऐसी वीडियो बनाना। हाँ जी, तो जो वाक्य बताया ना, पेड़ों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने का वाक्य बताया, जिसे आज साइंस मान रही है, साइंस भी आज साबित कर रही है कि जो पेड़ है ना वो बोलते हैं, और वो जैसे हम बोलते हैं वो आवाज़ नहीं है, उनकी अलग आवाज़ है बोलने की। जो किसी ने कहा कि पेड़ की लकड़ से, जो पेड़ मर रहा था उसकी लकड़ से वो बुलबुले जो निकलते हैं, हाइड्रोजन में रखा था उस पेड़ को ना, वैसी आवाज़ कुछ आ रही थी कि जैसे पानी से बुलबुले निकलते हैं, तो एक तरह से वो पानी की डिमांड कर रहे थे ऐसा कुछ था। और एक आज साइंटिस्ट ने और साबित ऐसा साबित किया कि जो पेड़ पौधे हैं वो आपस में बात करते हैं, आपस में बोलते हैं, बट हमें क्योंकि सुनाई नहीं देता, वैसे भी इसलिए नहीं सुनाई देता, इन्होंने ये बताया कि उनका जो स्पीड लेवल होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचता। मैं यही कहने वाला था, हम इंसानों में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कमज़ोर होती हैं। हमारी आंखें भी कम लगता है कि बहुत हम पावरफुल हैं, हमारी आंखें भी कमज़ोर हैं। हम रात में देख लो, आप रात में पूरा अंधेरा कर लो और अपना हाथ तक देख के बता दो कि ये मेरा हाथ है, मान जाऊँगा भाई, कोई है ही नहीं इंसान ऐसा कि प्योर अंधेरा करके अपना हाथ भी देख ले, इवन हमने पास की चीज़ देख ली, इतनी कमज़ोर हमारी आँखें हैं। हमारी आँखों को दूसरी लाइट चाहिए होती है, मतलब लाइट के सहारे हमारी आँखें, लाइट है तो हम देख पाएंगे, लाइट नहीं है तो हम देख ही नहीं पाएंगे, हमसे ज़्यादा मजबूत आँखें होती हैं इनकी, जो भी एक कैट फैमिली होती है, जो बिल्ले बिल्ले या बाज वाज पशु पक्षी होते हैं इनकी हैं। कान हमारे उस लेवल के नहीं है, एक लिमिट तक सुन सकते हैं, उससे ऊपर की बातें सुन ही नहीं सकते, एक लिमिट तक अगर शोर होता रहे ना वो हम सुन लेंगे, उससे कम हुआ तो नहीं सुन सकते, उससे ज्यादा हुआ तो नहीं सुन सकते, ज्यादा वाला भी नहीं सुन सकते हम नहीं सुन सकते हैं। और नाक की भी हमारा इतना पावरफुल नहीं है, इतना ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो हमारे पूरी बॉडी में जो जितने भी आइटम है ना, जितने भी ऑर्गन है, उस लेवल के हैं नहीं है, बेसिक लेवल के ही हैं, और हमसे ज़्यादा तो पशु पक्षियों इन सब चीज़ों के ज़्यादा अच्छे हैं। और बट जो ये वाक्य बताया ना कि नबी करीम का पेड़ों से करने का, कि कहते हैं कि पेड़ के तने के साथ बैठ के नबी वहाँ पर लोगों से बात बात करते थे, बट बाद में उन्होंने उनके पास बैठना शुरू बंद कर दिया, मिंबर बना दिया, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठ के बात करने लगे तो वो पेड़ चीख चीख के रोने लग गया कि, और वो सब लोगों ने सुना। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने मिंबर से चिपका दिया, मतलब तो वो जाके शांत हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये तब तक रोता रहता जब तक कयामत नहीं आती। बिल्कुल, तो क्या वाक्य था वो। और वो ऐसे रो रहा था जैसे मतलब बच्चे जो रोते रोते सिसकते हैं ना, ऐसा रो रहा था। बट ये भी हाँ, हम लोगों की सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि साइंस अगर चीज़ें साबित करेगा तभी ही हम मानेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारा पहले विश्वास अटल होना चाहिए, हम नहीं कि साइंस साबित करेगा तभी हम चीज़ें मानेंगे, अच्छा साइंस ने बोल दिया अब तो ये सच्ची बात है, नहीं ऐसा नहीं है।
साइंस साबित कर रहा, अच्छी बात है। अभी तो बहुत साइंस ने बहुत तरक्की करनी बाकी है, बहुत कुछ तरक्की करेगा, अभी भी बहुत चीजें बताएगा साइंस, अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है इंसान, तो नहीं पहुंचा, काफी टाइम लग जाएगा साइंस को। तो जो जो हम कुरान में पढ़ रहे हैं वो सब सब धीरे धीरे सब साबित होगा, सब सब कुछ। हाँ बिल्कुल, तो बहुत अच्छी वीडियो थी गाइस, एआर नॉलेज चैनल से थी अली रजा। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद।